बीजेपी पूरी तरीके से कुमाऊं को साधने की कोशिश कर रही है। अब वो किस लिए? दरअसल अगर गढ़वाल का जिक्र करते हैं तो गढ़वाल में बीजेपी की पकड़ अच्छी रही है, लेकिन कुमाऊं में बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है। अब यही फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस का नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी घमासान है कुमाऊं और गढ़वाल को लेकर। ये दरअसल फैक्टर क्या है, ये आज आपको समझना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं मुद्दे की बात की, और बात उत्तराखंड की होगी तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे देते हैं, क्योंकि अगर बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की करें तो उत्तराखंड के दौरे पर वो रहेंगे। तारीख भी फटाफट से आपको बता देते हैं, 20 और 21 अगस्त को जेपी नड्डा का दौरा तय है। बीजेपी का कुमाऊं पर ज्यादा फोकस इस वक्त देखने को मिल रहा है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 12 कार्यक्रम लगभग तय कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनका दौरा था, जब पूरी रणनीति को बना लिया गया है कि कैसे आम जनता को साधा जाए, और उसी तरीके से अब उत्तराखंड का दौरा भी जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं। 20 और 21 अगस्त को जेपी नड्डा का दौरा तय माना जा रहा है। फिलहाल समीकरण क्या है वो आपको फटाफट से बताते हैं। उत्तराखंड में करीब 35% वोटर ठाकुर समुदाय से आते हैं, और इसी ठाकुर समुदाय को साधने की कोशिश हर एक पार्टी करती है। ब्राह्मण वोट का जिक्र करते हैं तो ब्राह्मण वोट है जो करीब 25% तक बताए जाते हैं उत्तराखंड के अंदर खासकर। और अगर इसी तरीके से और समीकरण को समझने की कोशिश करें तो इन दोनों ही जातियों को नाराज करने का जोखिम कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं उठाना चाहती है, और यही वजह है कि हमें उत्तराखंड के अंदर समीकरण देखने को मिलता है, जातीय समीकरण, क्योंकि उत्तराखंड 2 मंडल और 13 जिलों में पूरी तरीके से फैला हुआ है। अब आपको बताते हैं कि जो ये फैलाव है इसमें कैसे साधा जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, क्योंकि इस पर्वतीय प्रदेश में राज करने के लिए यहाँ संतुलन बैठाना सियासत की पहली शर्त मानी जाती है कि किस तरीके से संतुलन को बिठा लिया जाए। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल से प्रतिनिधित्व बराबर रखना ही पड़ता है, लेकिन कुमाऊं में बीजेपी थोड़ी कमजोर है। जाति के साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी राजनेताओं के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, और अगर बात करें इस वक्त बीजेपी की तो बीजेपी वही काम कर रही है, और इसी वजह से नड्डा साहब पहुंच रहे हैं। बीजेपी के लिए कुमाऊं कमजोर कड़ी हमेशा से मानी जाती रही है, लेकिन अब उसे साधने का प्रयास किया गया है, क्योंकि सीएम साहब भी कुमाऊं से आते हैं। गढ़वाल में बीजेपी की जो पकड़ है वो कुमाऊं में दरअसल नहीं है, गढ़वाल पे अच्छी खासी पकड़ रखती है बीजेपी, लेकिन कुमाऊं के अंदर वो पकड़ दरअसल नहीं है, और बीजेपी अब तक गढ़वाल को ही ज्यादा तवज्जो देती आई है ताकि पूरा समीकरण को साधा जा सके। लेकिन अब कुमाऊं इस वक्त काफी चर्चा में है, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया था तब भी यही विवाद देखने को मिल रहा था, जनता नाराज थी, और ये भी कहा जा रहा था कि उस वक्त भी कुमाऊं रीजन में बीजेपी के फैसले को लेकर नाराजगी थी, जिसके बाद बदलाव किया गया, और वो बदलाव क्या था वो हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि अब नया चेहरा है पुष्कर सिंह धामी साहब। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त कांग्रेस से मेरे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका एक बार फिर मुद्दे की बात में जुड़ने के लिए। और सदाब साहब बीजेपी से जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सदाब साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि नड्डा साहब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। कहा जाता है कि कुमाऊं रीजन आपसे खासा नाराज है, और इसी को साधने के लिए नड्डा साहब के 12 कार्यक्रम रखे गए हैं। बदलाव तो आपने कर दिया, लेकिन क्या वाकई जो नाराजगी देखने को मिलती है वो आप दूर कर पाएंगे क्या? कुमाऊं हमसे न कभी नाराज था, न है, न हो सकता जी। क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, दोनों लोग हमारे हैं, और हम ये मानते हैं कि बारी बारी से दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो कहीं से कहीं तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ख्याली पुलाव है जो कांग्रेस ने पकाए हैं, इसमें बिल्कुल आप लोगों को इस ट्रैप में आने की जरूरत नहीं जी, जी। कि कुमाऊं नाराज है या गढ़वाल नाराज है। पूछेंगे प्रतिमा जी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन कुमाऊं में जब हम डिटेल देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ कमजोर जरूर है सर। गढ़वाल को आप लोग साधते आए हैं लेकिन कुमाऊं को भूल गए हैं, और यही तो नतीजा रहा ना पुष्कर सिंह धामी साहब को लाने का। नहीं नहीं आप हर्ष अगर आप ये देखें, आपको ये समझना पड़ेगा कि कुमाऊं में तो हमने क्लीन स्वीप किया था। कुमाऊं में कितने में से कितने सीटें हम पे आई जरा देख तो लीजिए आंकड़े उठा के, तो आपको लगेगा कि कुमाऊं तो हम कभी हारे ही नहीं है, कुमाऊं तो वन साइडेड हमारा है। हरीश रावत जी की हमने कुमाऊं में भी जमाया, कुमाऊं में भी हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, वहां भी पटकनी दी, और गढ़वाल से लड़े गढ़वाल में भी पटकनी दी।
तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए कि हरीश रावत जी आए, कुमाऊं से कुछ हो, गढ़वाल से कुछ हो, भारतीय जनता पार्टी समग्र सब लोगों को साथ लेके साथ चलना जानती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने पूरे उत्तराखंड का विकास किया है, हमने देश को आगे बढ़ाया है, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया है, बड़ी ईमानदारी के साथ एक 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार दी है। और भ्रष्टाचार से सब आहत थे क्योंकि पिछली सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी और हमने एक पारदर्शी और 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन। मैं लौटूंगा आपके पास एक कमेंट प्रतिमा जी से भी ले लेता हूं। प्रतिमा जी काफी मुस्कुरा रही हैं आप, कांग्रेस की कलह दूर हो गई है उत्तराखंड के अंदर इसलिए मुस्कुराहट है या वाकई कोई तस्वीर आप हमारे दर्शकों के सामने रखेंगी? ये है जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि जीरो टॉलरेंस सरकार की बात उन्होंने करी, करप्शन फ्री सरकार की बात करी, तो ये मैं इनको शायद याद दिला दूं कि पिछले 4.5 सालों में आपने ये भ्रष्टाचार ही आपका रीजन रहा है जिससे आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो मुख्यमंत्री थे जिसके खिलाफ जो है हाईकोर्ट ने खुद कहा CBI को कि आप FIR दर्ज करिए। तो आज इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाईकोर्ट को मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए CBI को बोलना पड़ा। तो जीरो टॉलरेंस, और एक अभी आपको लेटेस्ट घटनाक्रम बता देती हूँ मैं भारद्वाज जी कि ये बहुत जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। कल इन्होंने नीलू रौतेली जो पुरस्कार है उसको जो है महिलाओं को सम्मान देने के लिए बांटा है और उस महिला सम्मान में 22 नाम में से 15 नाम ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की बेटियों से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के PRO की बीवी से लेकर के इनकी मंडल अध्यक्ष से लेकर के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष तक शामिल है। तो जीरो टॉलरेंस की बातें वो सरकार कर रही है जिसने ये कहा था कि हम लोकायुक्त लेके आएंगे और लोकायुक्त पे अभी चुप बैठे हैं। जीरो टॉलरेंस जो है सरकार की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कहा था NC-74 पे SIT बैठाएंगे और क्या हुआ, वो खामोश है। अपना लोकायुक्त लेके आए ना SIT बिठाई आपने, आप जो अवार्ड सम्मान का महिला सम्मान के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है उसमें भी आपने उसका राजनीतिकरण कर लिया, उसको रेवड़ी की तरह बांट दिया, उसका बंदर बांट कर दिया। तो ऐसे लोग अगर ये बात करें कि हम जीरो टॉलरेंस है, इस बात की मैं मुस्कुराई थी। दूसरी बात आपने कहा, देखिए कांग्रेस पार्टी में कभी भी किसी तरह की भारद्वाज जी जो है मन मुटाव नहीं रहा, हम संयुक्त थे, संयुक्त है और देर तो बहुत होगा लड़ेंगे, अभी भी क्लियर नहीं है कि कौन सीएम होगा। नहीं बिल्कुल, सीएम का चेहरा तो कांग्रेस पार्टी ने भारद्वाज जी कभी अनाउंस ही नहीं किया। आप बताइए हमने कब कहा कि ये व्यक्ति हमारा किस स्टेट में सीएम होगा, हमने हमेशा कहा कि संयुक्त रूप से हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह साहब होंगे, हरीश रावत साहब होंगे, गोलियाल साहब होंगे, कौन होगा? बिल्कुल जो नहीं, एक आप सुनिए एक मेरी बात जो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ यहाँ पर कि हम संयुक्त नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, संयुक्त नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद वरिष्ठ नेता और आला कमान बैठ करके सर्वसम्मति से ये डिसाइड करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, हमने कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऐसे चेहरे घोषित करके चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके सभी मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि देवस्थानम का मुद्दा भी बहुत इस वक्त है। लेकिन शादाब साहब सबसे पहले प्रतिमा सिंह जी का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद देवस्थानम पर भी आते हैं जिस पर बड़ी चर्चा इस वक्त है। देखिए ये झूठ की राजनीति करते हैं, इन्होंने पहला बोला कि हाई कोर्ट ने कहा कि CBI को कि अपना मुकदमा कायम करो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। मैं सिर्फ जी मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ, मुझे इतना बता दे प्रतिमा जी कि झूठ की राजनीति कब बंद करेंगे? भाई आपने आधी बात क्यों बताते हो, पूरी बात बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को ये कह दिया कि नहीं, ये कैसा ऐसा निर्णय हाईकोर्ट कैसे दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, हमारी नहीं, हमारी तो छोड़ दीजिए। लेकिन दिक्कत इस बात, अरे सुनो भाई पहले सुनो, दिक्कत इस बात की है कि ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं और इनकी औकात नहीं हुई कभी कि हमारे ऊपर कोई प्रश्न उठा सके। हाई कोर्ट में एक प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण को लेकर होगा, पहले सुनो भाई, ऐसे डिस्टर्ब मत करो, पहले सुनने का दम रखो, सुनो पहले आराम से। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि शब्दों की मर्यादा का आप ख्याल रखिए, ठीक है? ठीक है प्रतिमा जी, मैं भी अपील कर चुका हूँ, सुन लीजिए आप ही के सवालों का जवाब दीजिए। ये हमेशा ये डिबेट करते हैं, डिबेट को कांग्रेस ही आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। इनके काम हिट एंड रन का है, इसके अलावा सुनने का दम है, सच बोलने का दम है भाई। ऐसे ये
प्रतिमा जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, समय मेरे पास पूरा है। प्रतिमा जी सुन तो लीजिए, आप ही के सवाल है, एक एक करके मैं सभी मुद्दों को लूंगा। मैं जनता को समझाना चाहता हूँ मैम, क्या क्या है मुद्दे और किस पर आप क्या कुछ कर रहे हैं, बस समय दीजिए ना, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, तुरंत लौट रहा हूँ। सादात जी फटाफट से कम्प्लीट करिएगा, ठीक है? ठीक है सादात जी, फटाफट से। दूसरा इन्होंने कहा तिलू रौतेली, जो हमारे यहाँ पुरस्कार दिया गया महिलाओं को, जो हॉकी खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ से हरिद्वार की है, उन्हें सम्मान दिया गया। और कमाल की बात की थी, इनको दिक्कत है कि खिलाड़ी का तो आप जिक्र मत करिए, किस तरीके से वहाँ पर विवाद चल रहा है, वो तो पहली बात नहीं, अभी उस मुद्दे पे जाएंगे, उस पे अलग से डिबेट कर लेंगे। आप जवाब, अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ उसे समझ लीजिए। हर्ष जी, मैं ये कह रहा था कि उस विषय में अगर मेरे मंत्री की बेटी कोई अच्छा काम कर रही है और कोरोना काल में उन्होंने काम करके दिखाया, उनके सर्टिफिकेट्स, सारे अखबारों की कटिंग, तमाम जो उन्होंने काम किए, पूरी फाइल, मोटी फाइल उनके पास है, तो किसी की बेटी होना क्या अपराध है? किसी संगठन से जुड़ा होना क्या अपराध है अगर कोई काम कर रहा है तो? एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कांग्रेस के नेता एसी कमरों में बैठ के राजनीति कर रहे थे, उस वक्त मेरा कार्यकर्ता अपनी जान को हथेली पे लेके जनता के बीच में था। इनसे पूछिए कितने नेताओं को कोरोना हुआ, कितने नेता इनके चैनलों में लोगों की सेवा करते हुए दिखाई दिए, कितने नेता अखबारों में सेवा करते हुए दिखाई दिए। जिस वक्त लोगों का गुस्सा उरूज पे था, उस वक्त लोग हमें गालियां दे रहे थे, तब भी उनकी गालियां खाने के लिए हम ही थे, कांग्रेस के नेता नहीं थे। इनका कोई कैबिनेट मंत्री, कोई नेता इनका चार प्रश्न उठाए, चारों के उत्तर दे दूं मैं पहले, ठीक है? मैं इन्होंने तीसरा प्रश्न इन्होंने कहा कि NH-74 के मामले में और दूसरे मामलों में हमने क्या किया। इन्होंने भ्रष्टाचार किया NH-74 में, उन लोगों को हमने जेल भेजने का काम किया। छात्रवृत्ति घोटाला, इनकी सरकार में घोटाला हुआ, हमने उन लोगों को, तमाम लोगों को जेल भेजने का काम किया। घोटाले करे कांग्रेस की सरकार और जेल में भेजे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये है सरकार का दृश्य जो हम जी। चार सवाल आपके थे, उसके जवाब आपको मिल चुके होंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कांग्रेस का भी जिक्र करते हैं, कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिससे कांग्रेस की कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है, और उसके लिए भी सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि कुमाऊं रीजन का जिक्र करते हैं तो आप लोग भी कुमाऊं को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप लोग नाम नहीं बता रहे हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन तैयारी आपकी भी पूरी है। हालांकि जमीन पर कह रहे हैं शादाब साहब की आप लोग नहीं है, लेकिन अब तस्वीरें आ रही हैं। प्रतिमा जी जवाब दूंगी, पहले भाजपा के प्रवक्ता के जो आरोप है उनका जवाब दे देती हूँ। आपने कहा तिलू, अब किसी मंत्री की बेटी काम कर रही होगी तो क्या उसको अवार्ड नहीं देंगे? हमारे यहाँ एक नेशनल पैरा ओलंपिक प्लेयर बैठी है जिसने नेशनल अवार्ड जीते हैं, दिलराज कौर, और आज उसकी स्थिति ये है कि वो गांधी पार्क के बाहर चिप्स और जो है कोल्ड ड्रिंक बेचने का काम कर रही है। तो अगर आपने मंत्री की बेटी का सराहनीय काम को सराहा है, तो इस बच्ची से आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई कि इस बच्ची का नाम आपने उसमें नहीं डाला? वो औरत देवकी जी, जिन्होंने आपकी जिंदगी की पूरी गाड़ी कमाई पीएफ केयर फंड में दे दी, उस और क्या आपने उस महिला के सम्मान को, उस महिला के कार्यों को सम्मान देना उचित नहीं समझा, या फिर उचित वही समझा कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां? खैर, ये पहली बात। दूसरी बात, कोरोना काल की ये बात करते हैं, आपको तो कोरोना काल की बात नहीं करनी चाहिए। आपके मुख्यमंत्री पिंजरों में कैद हुआ करते थे जब कोरोना चल रहा था। मैम, मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, ठीक है प्रतिमा जी? लेकिन महिलाओं का जब आप जिक्र करते हैं, तो एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं के लिए रात में निकलने पे भी पाबंदी लगा दी गई थी कि पहाड़ी इलाका है, रात में महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। और आप महिलाओं की बात कर सुन लीजिए हर्ष जी, आप बिल्कुल, आप मैं मेरी कंप्लीट कर लें दीजिए, बात मैं आपके बात का जवाब दूंगी, ठीक है? तो कोरोना काल की बात यहाँ करी भाजपा के प्रवक्ता ने, तो ये वो लोग हैं जो कि पिंजरों के अंदर कैद हो चुके थे, जेलों में कैद होके बैठे थे। अच्छा, आप एक बता दीजिए, एक काम बता दीजिए, एक काम। अरे आपको बता, आप सब्र तो रखिए थोड़ा, अब मैं टोकती नहीं हूँ, फिर मुझे मजबूर मत बताइए, मैं सुन रहा हूँ। एक काम आपको मैं 10 काम बताऊंगी, चाहे वो फ्री एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे ऑक्सीजन मुहैया करानी हो लोगों को, चाहे कोरोना किट हो भी अपने खुद के पैसों से, सरकार के नहीं, चाहे राशन बांटना हो, कहां पे कार्य कांग्रेस के जो है, जगह कौन सी है प्रतिमा जी, पूछ रहे हैं सादात साहब, कौन सा इलाका? हवा में, हवा में एक औपचारिकता के लिए एक गाड़ी खड़ी करके और उसके फोटो खिंचवा लिए, बात नहीं पड़ते।
दिनेश अग्रवाल आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, बताइए कहाँ थे। नौ प्रभात आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, बताइए कहाँ है, बताइए। ये देहरादून की बात बता रहा हूँ, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ आपका कार्यालय है, ये बताइए कैबिनेट मंत्री कहाँ थे। हेरा सिंह मिश्रा आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, बताइए कहाँ है। मैंने अपने इंडिविजुअल मदरसे में अपना एक फ्री चैरिटेबल कोरोना हॉस्पिटल खोला, मैंने इंडिविजुअल बता रहा हूँ, मैंने इंडिविजुअल खोला, कोरोना हॉस्पिटल हमने खोला, अपनी जेब से खोला, चैरिटेबल खोला। जब हमने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, हमने लोगों को फ्री में एडमिट करके अपने मदरसों में हॉस्पिटल चलाए कोरोना के। आप हमसे बात करेंगे क्या? माजरा मदरसा धर्मपुर विधानसभा, किसी से पूछ लीजिए, किसी चैनल वाले से पूछ लीजिए, किसी अखबार वाले से पूछ लीजिए, अपने नेताओं से पूछ लीजिए। अरे आपको जब ये नहीं पता, आप राजनीति में घर में बैठ के राजनीति कर रहे हैं केवल। ठीक है प्रतिमा जी, प्रतिमा जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे दो सवाल ले रहा हूँ प्रतिमा जी। एक तो सादात साहब पूछ रहे हैं कि ठीक है अगर कमी भी हुई होगी तो कौन सी इलाके में हुई है, कौन से इलाके में, आप बता दीजिए, आपको बखूबी पता होगा। दूसरा, आप महिलाओं का, एक मिनट प्रतिमा जी सुन लीजिए, दूसरा महिलाओं का आपने जिक्र किया है, तो महिलाओं पर पाबंदी तो आप ही लगा देती थी कांग्रेस की सरकार की, भैया रात हो गई है महिलाओं को घर में रखिए, कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, घर में रखिए, रात में वो काम नहीं कर सकती। अब तो महिलाओं के लिए कर रही है ना सरकार, तो कर रही है। अभी आज ही हम खबर सुबह सवेरे बता रहे थे कि 33,000 महिलाओं को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा कोरोना में, जो घर बैठी जिनको प्रभावित हुआ, ये तो कहा गया है। आपने जवाब दू? ये हंसते वाली क्या बात हुई इसमें? देखिए आपने कहा कमी थी, तो शायद आप हरिद्वार का हॉस्पिटल भूल गए, शायद आप रुड़की का वो हॉस्पिटल भूल गए जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई, शायद आप वो भूल गए कि यहाँ पर शमशान घाट में टोकन मिला करते थे। भैया कमाल की बात है, मैं ये कह रहा हूँ, इस पे डिबेट पे आ जाओ ना, चलो इस पे डिबेट को कन्वर्ट कर लेते हैं, कोरोना पे डिबेट कर लेते हैं, शुरू कर दीजिए, चलिए आ जाते हैं इनसे, इनसे बोलिए आप कोरोना पे टाइम बढ़ा दीजिए, आज कोरोना पे डिबेट कर लेते हैं, इनसे बता देता हूँ इनको। अब आप सुनिए, अरे आप नहीं बता पाएंगे, आपके साथ मैंने कोरोना पे भी कहीं, अरे मैं कह रहा हूँ ना, बोल दीजिए, हर चीज शुरू कीजिए, चलिए कोरोना पे आ जाते हैं, पूछे 108 जीवन दायिनी को, इन्होंने आईसीयू में पहुंचा दिया था, 108 को खड़ा करने वाला कौन, पूछे उत्तराखंड के बच्चे, आपने मेरे सवालों का भी तो जवाब नहीं दिया। आप दो बातें कर रही हैं प्रतिमा जी, आप महिलाओं को लेकर बातें कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के समय में कौन सा महिलाओं को आज दिया गया था। हरीश रावत जी प्रदेश के राष्ट्र में नेता रहे, सादात जी तो जवाब दे रहे हैं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ एक एक करके, आप बताइए ना कांग्रेस के समय में क्या कुछ किया गया। कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि महिलाएं इतने समय बाद नहीं निकल सकती। ऑर्डर तो आप ही की सरकार में था, सुन लीजिए, ऑर्डर आप ही की सरकार में था प्रतिमा जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं, ऑर्डर आप ही की सरकार में था। आपको जरूर करूंगा जी, इनके सवालों का जवाब नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, ये झूठ की राजनीति करते हैं और सफेद वाले झूठ की राजनीति करते हैं। आप कुछ बोल दीजिए, मीडिया कुछ बोल दे, हम कुछ बोल दे, जिन्होंने प्रतिमा जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, सादात साहब आरोप कई हैं, प्रतिमा जी अब सुन लीजिए, आपने जो आरोप लगाए हैं कोरोना को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसी का जवाब सादात जी से ले रहा हूँ, ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है प्रतिमा जी। एक तो कह रही हैं सादात साहब कि कोरोना में बड़ी लापरवाही हुई है हरिद्वार के अंदर, उन्होंने जिक्र किया है, सबसे पहले उसका जवाब। दूसरा ये कह रही हैं कि महिलाओं के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उसका जवाब। दो सवालों का जवाब फटाफट से देखिए, इस प्रदेश में जब आप पूरे प्रदेश को अटल आयुष्मान योजना, जिसमें बहने माँ बेटी सब आती है, हमने कहा सबका इलाज मुफ्त, 5 लाख रुपए, उत्तराखंड पहला स्टेट है हिंदुस्तान में जिसने 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, सुनने का दम नहीं है, देखिए सुनने का दम नहीं है, ये है दिक्कत, अरे दम नहीं है सर सुनने का, भाई सुनो तो। प्रतिमा जी मैं आपको पूरा समय दे चुका हूँ, प्रतिमा जी सुन लीजिए, प्रतिमा जी ये तरीका नहीं है प्रतिमा जी, सबसे पहले बात, आप दोनों स्काइप पे हैं, एक एक करके बोलेंगे तभी समझ में आएगा, हम सब ज्यादा जा रहे हैं मैम, इसलिए उत्तराखंड में हमने डिबेट रखा है, उत्तराखंड के विषय पर हम हर एक राज्य का विषय रख रहे हैं मुद्दे की बात में, ठीक है प्रतिमा जी सुन लीजिए ना, आप ही के सवालों का जवाब, मेरे सवालों का जवाब नहीं है, आप ही के सवालों का जवाब है महिलाओं पर कोरोना पर। शादाब जी हमने कहा कि हमने प्रदेश के अंदर एक योजना लॉन्च की, अटल आयुष्मान योजना, और जब हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इन लोगों ने तो हमें सौतेला व्यवहार किया उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड अटल जी की देन रही, यहाँ के संघर्षों के बाद अटल जी ने हमें उत्तराखंड दिया, इनके नेता कहते थे हमारी लाश पे बनेगा उत्तराखंड, ये सब लोगों ने देखा, और जब उत्तराखंड दिया
तो हमें औद्योगिक पैकेज अटल जी ने दिया, इनकी सरकार ही वो औद्योगिक पैकेज छीन लिया। अब जब उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करो, 1947 से अब तक ये कहते हैं कि नहीं है। भाई आपके झक मरा रहे थे, हम उत्तर प्रदेश में थे, आपकी सरकार का हिस्सा थे, आपने सरकारों का यहाँ शासन चलाया, अगर पहाड़ की दुर्गति थी तो उसमें जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? भूल गए आपके 55-60 सालों के राज को हम? उसके बावजूद हमने 108 शुरू की, इन्होंने खत्म कर दी, उसे डस्टबिन में कर दिया, हमने दोबारा उसे अपने पैरों पे दौड़ाया। प्रतिभा जी फटाफट से जवाब इसका, दाहिनी 108 का है। मैं ठीक है सर, समय थोड़ा कम है, ठीक है, समय का अभाव है, मैं आ रहा हूं उसी पे, आ रहा हूं मैं धीरे-धीरे उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा कि आज कोरोना काल में जब हमें बेड्स नहीं मिल रहे थे, हम जानते हैं दिक्कतें थी कोरोना काल में, बहुत परेशानियां झेली हमारे लोगों ने, हमने भी गालियां खाई, लेकिन गाली खाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, क्योंकि वो इतना बुरा दौर था ऊपर वाला, और दोबारा वो दौड़ना दिखाए, लेकिन ये लोग निकलते लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया पिछले क्यों बंद किया भाई आपने सालों में, जिन्होंने कुछ नहीं किया वो प्रश्न उठाते हैं। तो प्रतिमा जी फटाफट से, मैं क्लोज कर रहा हूं प्रोग्राम को, मेरे पास समय नहीं है। प्रतिमा जी ठीक है, शादाब साहब एक मिनट चुप कराइए, हां प्रतिमा जी फटाफट से सुन लीजिए, अटल आयुष्मान योजना की बात यहाँ पे हो रही है, तो मैं आपको मैं लिस्ट तक भेज सकती हूँ, विक्टिम्स के नाम तक भेज सकती हूँ, अभी अभी भेज सकती हूँ। अटल आयुष्मान योजना पूरे उत्तराखंड में किसी भी जो है अस्पताल ने कोरोना मरीज की मदद नहीं की और फ्री में इलाज नहीं किया। अरे इधर सुनिए, शुरू में पहले सुनो भाई, ऐसे नहीं होता, जवाब दे लीजिए, उत्तर ले लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिए, उत्तर लीजिए ना इसका। अरे भाई कमाल कर देंगे, मेरे पास समय इतना ही था, फिर डिबेट का विषय रखेंगे उत्तराखंड, आप भी लिस्ट दीजिएगा मैम, पूछेंगे सवाल सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सदाब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल उत्तराखंड पर हम बात कर रहे थे क्योंकि उत्तराखंड में नड्डा साहब पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड को साधना भी जरूरी है, बीजेपी की सरकार है, क्या वापसी बीजेपी की सरकार होगी या फिर हम देखते हैं कि हमेशा से ऐसा रहा, एक बार कांग्रेस की सरकार तो एक बार बीजेपी की सरकार। खैर मुद्दे की बात में आपको बताएंगे, इजाजत चाहूंगा आपसे, कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।